हेलो 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 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या आप मेरी आवाज़ सही से सुन पा रहे हैं? सो, आज की एक्सरसाइज के अंदर हम सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर वीकली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। और उसी वीकली एक्सरसाइज के अंदर सबसे फर्स्ट वर्ड है बॉयस्ट्रस, और बॉयस्ट्रस का आपने सिनोनिम बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी के साथ एक सेकंड वर्ड भी मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप बराबर बता पाए इन सारे वर्ड्स का मीनिंग। और लेट मी चेक योर कमेंट्स इफ एनी। एनर्जी में आ जाओ भैया सैटरडे के अंदर। ये मंडे टू फ्राइडे के हम जितने भी पार्ट होते हैं उसको हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? ओके, साउंड नहीं थी, नाउ इट्स ऑडिबल। ओके, चलिए, गुड वेरी गुड। चलिए, सबसे फर्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है बॉयस्ट्रस, और बॉयस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है ये आपने बताना है। चलिए, कल जो हमने खूब सारे वर्ड्स पढ़े थे, और खूब सारे वर्ड्स के अंदर भी हमने देखा था कि किस तरह के चीज़ों के अंदर कैसे कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो बॉयस्टर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में बात करने वाला, बहुत ज़्यादा शोरगुल करने वाले के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है? चलिए, सलूब्रियस का मतलब मैंने बताया था हेल्दी या हेल्थफुल के सेंस में होता है। चलिए जल्दी बताइए मीनिंग। वेरी गुड, नेहा ठाकुर ने बताया ऑप्शन नंबर डी। बाकी बच्चे भी इनके मीनिंग बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब बताया आपने रैम्बंक्शियस, और रैम्बंक्शियस इसका बिल्कुल करेक्ट मीनिंग है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी का जो ऑप्शन नंबर रैम्बंक्शियस जो बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। बंक 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 जो पर्सन, शांतनु दास, चलिए, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवीजन के तौर पर ये सारे के सारे टॉप 50 वीकली एक्सरसाइज सिनोनिम और एंटोनिम आपके पास चल रही है। ओके, जस्ट रिसेंटली शांतनु। अगला वर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, रिडैक्टर, रिडैक्टर, रिवाइजर, रिराइटर, रिराइट मैन, एडिट, फ्रेम, कास्ट, पुट या काउच के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? इसका मतलब मैंने बताया था आपको, किसी चीज़ को करेक्ट करना, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को एडिट करने को, किसी चीज़ को एडिट करने को रीड एक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द राइट आंसर। सो सी यहां पर इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, शाबाश, टू का आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कोर्ट रोमांस या सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? कोर्ट रोमांस या सॉलिसिट का मतलब क्या होता है? ट्रस, प्लंक, निम्बली, डिस एनफ्रेंचाइजी या वो में से क्या राइट आंसर होगा, फटाफट बताइए। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर, जाइब लाइक, जियरिंग, मॉकिंग, टोंगटिंग के अंदर किस तरह की चीज़ें आएंगी? सारे बच्चे एक बार राहुल जी को बता दीजिए, हेलो हेलो कर दीजिए इनको, ठीक है? ये टॉप 50 वीकली एक्सरसाइज सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस हैं। जिन सारे के सारे वर्ड्स जो इस समय नए स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे, पिछली जो 5 क्लासेस हुई है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 5 डेज की ये सारे के सारे वर्ड्स डिस्कस हो चुके हैं। कोई भी एक भी ऐसा वर्ड आपको लगे कि इसका हमें एक्सप्लेनेशन जाननी है, तो पिछली 5 क्लासेस को एक बार एक साथ देख लीजिए। आज सैटरडे है और कल संडे है, ताकि आप मंडे से बिल्कुल रिफ्रेश होकर अपने आप में आ सकें, ठीक है?
चलिए, सो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री से भी पहले आ चुका है बच्चों का। जाइब लाइक जियरिंग, मॉकिंग या टॉन्टिंग, ताना कसने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और ताना कसने को बड़ी ही कास्टिगेटिंग लैंग्वेज, डायरेसिव लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताइए, कॉल्ट, रोमांस या सॉलिसिट का आंसर क्या होगा? इसके लिए क्या वर्ड का इस्तेमाल होगा? सो परिकल्पना ने ट्रस्ट कहा है, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, कुछ बच्चे नज कह रहे हैं। सो नज तो आप सेकंड वाले का बता रहे होगे, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में तो नज वर्ड है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे भी नज आंसर नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, तो सॉलिसिट कोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, किसी को एंटाइस करने के लिए या किसी को अल्योर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इसी को वू के सेंस में यूज़ करते हैं, डब्ल्यू ओ ओ वू के सेंस में यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का भी आंसर ऑप्शन नंबर ई आएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर भी ऑप्शन नंबर ई आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स एक साथ आपके साथ है। आशीष जी आपका नंबर ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ग्रुप ऐसा कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, जस्ट आप अड्डा को ज्वाइन कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली 9 to 10 AM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हम यहाँ लाइव होते हैं, वॉकअप सेशन के साथ, इंग्लिश के साथ। मनीषा कह रही है सर आज टेस्ट चलेगा क्या? बस मनीषा, वीकली टेस्ट है, आप लोगों की डिमांड थी, इसी बदौलत ये टेस्ट चल रहा है, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि रोज़ पढ़ने के साथ साथ आपका एक कांस्टेंट इवैल्यूएशन होना भी ज़रूरी है। तो जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आ गया है, हार्मफुल के सेंस में, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव हार्मफुल, और हार्मफुल को ही इंग्लिश में परनीशियस नेचर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परनीशियस नेचर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। और इसके अंदर एक और सिनोनिम भी है नॉक्सियस, और ये भी इसी का सिनोनिम है, तो ये डी भी आंसर हो जाएगा। तो हार्मफुल का यहाँ पर बी एंड डी दोनों राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने भी बताया वो तो फेवर के लिए होता है ना सर? जी हाँ, कोर्टमैनशिप के लिए भी फेवर का इस्तेमाल होता है। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आइए। जॉग, पॉकेट या प्रॉड का मतलब क्या होता है? जॉग, जॉग का मतलब जॉगिंग करना, पॉक एट का मतलब किसी को छेड़ना, या प्रॉड का मतलब होता है किसी को उकसाना या भड़काना। इसके लिए क्या इसका मीनिंग बनेगा? वेरी गुड, शाबाश, जल्दी बताइए इसका मीनिंग। बहुत ईजी है, परसों करवाया था इसको, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान आ रहा हो तो। किसी की अटेंशन सीख करने के लिए, जब हम किसी को ऐसे ऐसे करके यूं कहते हैं, ओए सुनना बात को, ओए सुनना बात को, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? जब किसी को दिखाना हो सामने वाले का नज़ारा, और उसकी पूरी की पूरी नज़रें उसके फ़ोन में हो, उसके आईफोन में हो, उसके मोबाइल फ़ोन पे हो, तो आप उसको नज़ारा दिखाने के लिए उसकी नज़र को नज़ करने की कोशिश करते हैं, नज़र को नज़ करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेहा ने बिल्कुल सही आंसर बताया, सर आज फर्स्ट डे है मेरा। मनीषा, ओके, सो मनीषा मंडे टू फ्राइडे की एक बार क्लास जरूर देख लेना, आज और कल, सैटरडे और संडे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट आपके पास है। कन्फर, कंसल्ट या गॉसिप। कन्फर का मतलब होता है इनाम देना, पुरस्कार देना, कोई उपाधि देना। और दूसरा वर्ड मीनिंग होता है कन्फर का, टू कंडक्ट अ कन्फ्रेंस, एक कन्फ्रेंस को कंडक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसी के साथ एक शब्द और भी है कंसल्ट, किसी के साथ सलाह मशवरा करना, या इसी के साथ एक गॉसिप है जिसका मतलब होता है चैट करना, ठीक है, चैट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या आएगा? सिनिकल, कॉन्फाबुलेट, प्लंक,
डेम्योर या वू में से क्या राइट आंसर आएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में वो नहीं आएगा राजा, वो तो अट्रैक्ट करने के लिए होता है। जब हम टेबल पर बैठते हैं, फेबल मतलब टेबल, फेबल मतलब टेबल, और दो से ज़्यादा लोग बैठते हैं टेबल पर, तो हम किस चीज़ के लिए बैठते हैं? बातचीत करना, इनफॉर्मली टॉक करने के लिए कॉन्फेबुलेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सपना गुप्ता, फर्स्ट डे इन योर क्लास, वेलकम सपना, वेलकम, वेरी गुड, बी आंसर होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। जो भी पर्सन एजाइल होता है, एजाइल वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, उसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है फ्लेक्सिबल। बोलना एक बार, फ्लेक्सिबल। और इसी फ्लेक्सिबल या एजाइल को इंग्लिश में निम्बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निम्बल। तो एजाइल का एजाइली बना, तो फ्लेक्सिबल का फ्लेक्सिबली बना, तो निम्बल का क्या बन जाएगा? निम्बली। और किसी एडजेक्टिव के साथ अगर एलवाई लग जाए, किसी एडजेक्टिव के साथ अगर एलवाई लग जाए, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए मस्ट बी द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐश्वर्या तिवारी सी बता रही है, नहीं। देखिए, एजाइली शब्द जो है एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है। और आपको मैंने आपको बता रखा है, देखिए कॉग्निजेंस सी ई से ख़त्म है, नाउन होगा। सिनिकल ए एल से ख़त्म है, एडजेक्टिव होगा। कॉन्फेबुलेट ये ए टी ई है, वर्ब होगा। एक्सासर्बेट वर्ब होगा। तो हमें तो यहाँ पर एडवर्ब चाहिए था, और एडवर्ब के जो भी सफिक्स या प्रीफिक्स होते हैं वो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो भी ये राइट आंसर। अगर आप केवल ऑप्शन एलिमिनेशन से करने की कोशिश करो तो भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास 4 क्वेश्चन एक साथ है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12। एक साथ आंसर देने की कोशिश कीजिए। परिकल्पना, राहुल, नेहा, फनी पबजी, ऐश्वर्या, राहुल, ऋषि, राजा, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर दो। अब लीनियंस, लीनियंसी, माइल्डनेस, विजिट, अनलिमिटेड, न्यूरोटिसिज्म या साइकोन्यूरोसिस, इन सब के मीनिंग्स, सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। आपने बताना है कि इनके राइट आंसर्स क्या बनेंगे। जस्ट सिनोनिम आपने मैच करने की कोशिश करना है। सेशन अगर सही सही लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हिट द लाइक बटन। बताओ भाई, बताओ क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। चलिए बढ़िया, नेहा का जवाब आया 9 का D और 9 का B। देखिए लीनियंसी या माइल्डनेस का मतलब होता है जब पर्सन लेनिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी का लीनियंट से याद करवाया था, लेनी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब इंसान के सॉफ्ट या माइल्ड नेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसी का आंसर हो जाएगा बी, 9 का आंसर एक्चुअली बी आंसर आएगा, डी आंसर नहीं आएगा। ओके नेहा, सोजर्न तो दूसरी चीज़ थी। अब देखिए, जब भी आप कहीं पर जर्नी करते हैं और बीच में स्टे करते हैं, यानी विजिट करते हैं कहीं पर बीच में स्टे करते हुए, तो वहाँ पर सोजर्न का इस्तेमाल होगा। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 10th का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 11th का आंसर देखिए, अनलिमिटेड।
जो चीज़ ट्रैमल हो गई, जो ट्रैमल हो गई मतलब जिसको लिमिट किया गया है, जिसको आपने नियंत्रण में लिया है, लेकिन जिन चीज़ों को आपने नियंत्रण में नहीं लिया, जो असीमित मात्रा में आपके पास है, अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं लिमिटलेस। तो इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो वर्ड इस्तेमाल होता है अनट्रैमल्ड। तो इसके राइट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म का आंसर बताइए। चलिए, न्यूरोटिसिज्म या साइको न्यूरोसिस शब्द इंसान के दिमागी खराब होने के हालत को बोलते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है। यहाँ से न्यूरो रूट वर्ड निकल रहा है, यहाँ से भी न्यूरो रूट वर्ड निकल रहा है, तो ये न्यूरो से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 एक साथ इन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स या मेंस के अंदर याद रखिएगा सीपीओ के प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन सिनोनिम के आते हैं, और अगर ये 5 क्वेश्चन सिनोनिम के आते हैं तो आपके पास कुछ वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से आते हैं और कुछ वर्ड्स आपके पास करंट अफेयर या करंट सिनेरियो से रिलेट होकर आते हैं। ऋषि कह रहे हैं एनकोमियम, एनकोमियम का मतलब भी बता दो, चलो शाबाश सारे बच्चे, ताकि देख लें और जान लें, एनकोमियम का मतलब होता है शाबाश, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रवीण सिंह पूछ रहे हैं इज दिस साहिल सर, यस, चलिए बात बताइए अब इसकी। सबसे पहले लिखा अबहोरेंट, डिटेस्टेबल, ऑब्सीन या रिपल्सिव। ए बी या ओ बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स नेगेटिव नेचर के होते हैं, और नेगेटिव के तौर पर इसका मतलब देखिए, नज का मीनिंग अब जानते हैं आप, ये नहीं आएगा। लंबस्टे का मतलब होता है स्कोल्ड यानी डांटना, ये नहीं आएगा। वू का मतलब होता है अट्रैक्ट करना या सॉलिसिट करने के लिए यूज होता है, तो ये वू नहीं आएगा। स्कल्जरी शब्द दूसरे ही हिसाब से यूज होता, नहीं आएगा। तो जो भी चीज़ बड़ी ही नफरत पैदा करने वाली होती है, निंदनीय होती है, जो बिल्कुल आपके अंदर से हेट्रेड की भावना उत्पन्न करती है, उसके लिए आपके पास रिपग्नेंट शब्द का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? रिपग्नेंट शब्द का इस्तेमाल होता है। 13 का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ई मस्ट बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई मस्ट बी द राइट आंसर। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकृति। क्या बोलते हैं? स्वीकृति बोलते हैं, किसी चीज़ को स्वीकार करने के तरीके से यूज होता है। अब बताइए स्वीकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सीड, रेवलरी, अनट्रेमल्ड, क्रिडेंस या होटी। थैंक यू सो मच प्रवीण सिंह, थैंक यू सो मच। चलिए, तो एक्सेप्टेंस को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडेंस, और इस शब्द को मैंने आपको क्रेडेंशियल शब्द से पढ़ाया था। जब भी आपको स्कूल कॉलेज में बुलाया जाता है तो आपसे क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं, आपके सारे के सारे अथॉरिटेटिव
या ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं और इसी क्रेड वर्ड से विश्वास के लिए बनता है। और जब आपको किसी चीज़ पर विश्वास और भरोसा हो जाता है, आप अपनी उसको हाँ कह देते हैं, यस कह देते हैं, अपना ओके दे देते हैं, यानी अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए फटाफट। REVEL, रिवल। रिवल शब्द का मतलब क्या होता है? फटाफट फटाफट बताओ। चलिए, रिवल रिवलरी से शब्द समझौता रखता है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलिए, रिवलरी का मतलब बिल्कुल सही बताया। बहुत बड़ी शान और शौकत की जो पार्टी वार्टी होती है उसे रिवलरी शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड enjoying, रेवलरी का मतलब होता है ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड enjoying। बहुत सारा छप्पन भोग खाना बनता है, बहुत ज़्यादा कुछ पिया विया जाता है, बहुत ज़्यादा डांस वांस किया जाता है, enjoy किया जाता है, और इसे रेवलरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जो लोग आज नए जुड़े हैं इस क्लास के अंदर, वो थोड़ा सा ध्यान दें, मंडे टू वेडनेसडे पर ये सारे के सारे वर्ड्स डिस्कस हो चुके हैं, और जो बच्चे लगातार इसके अंदर बने हुए हैं उनके लिए ये वीकली एक्सरसाइज है। जितने वर्ड्स हमने पढ़े थे उन्हीं वर्ड्स के हम यहाँ पर आपको टेस्ट कर रहे हैं। आप में से जितने बच्चे एक बार यहाँ जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या ये सारे के सारे वर्ड्स हमने पिछली क्लास में मंडे टू फ्राइडे डिस्कस किए थे या नहीं, एक बार बता दीजिए फटाफट। प्लॉडिट का मीनिंग क्या होता है? ध्यान रखिएगा, प्लॉडिट जो शब्द है PLOD से बना है, और प्लॉड से ही आपके पास अपलोड शब्द भी बनता है। इसी का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। राहुल कह रहा है सर आपका बॉटल कहाँ है, बॉटल नहीं आज। वेरी गुड, और इसी को बचनेलिया भी बोलते हैं। बहुत अच्छे, आपको तो याद है बचनेलिया, और इसी शब्द को ऑर्जी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जो लाविश पार्टी ईटिंग और ड्रिंकिंग के साथ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। ग्रेटिफाई, इंडल्ज, किसी काम में इंडल्ज होना, किसी चीज़ में ग्रेटिफाई होना। निखिल सिंह राजपूत, इफ़ यू आर न्यू जस्ट नो प्रॉब्लम, टेक द सेशन, enjoy द सेशन, रीड विद मी, स्टडी विद मी, और इनके साथ साथ कैरोज भी बोलते हैं। वेरी गुड, CAROUSE, कैरोज भी इसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया, निखिल सिंह जी को बता दीजिए। नेहा जी कहाँ से हो आप? वरुण कुमार जुड़े हुए हैं सर, न्यू हैं हम। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ग्रेटिफाई या इंडल्ज का जो मतलब होता है वो होता है पेंडर, PANDER, पेंडर। पेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ की संतुष्टि प्राप्त करना, किसी चीज़ को इतना भरपेट खाना या भरपेट एंजॉय करना या भरपेट पीना, इसके लिए पेंडर शब्द का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही है प्रगति, पेंडर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई मस्ट बी द राइट आंसर। तो पेंडर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मस्ट बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का आंसर दीजिए। 17 के अंदर मैंने चार सिनोनिम बताए जिनका एक ही मतलब है और जिनका आपको मेन शब्द निकालना है।
मिसक्रिएंट गड़बड़ करने वाला, कंडेम निंदा करना, डिक्राई आलोचना करना, ऑब्जर्गेट किसी को बहुत तेजी से डांटना या फटकारने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, स्प्लर्ज, रेप्रोबेट, एग्जिजेंट, नॉक्सियस या हॉर्न में से क्या राइट आंसर होगा? चलिए आप लोग भी बता दीजिए, सारे लोग इस समय कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे तो पुराने हैं, हमारे पेड बैचेस के बच्चे हैं, और लेकिन जो नए बच्चे हैं वो कहाँ से जुड़े हुए हैं एक बार बता दीजिए। और इसी के बीच में जो लोग थोड़ी बहुत भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, रिप्रोबेट इज़ द राइट आंसर। जिसके खिलाफ प्रॉब किया जाएगा, जिसके खिलाफ प्रॉब किया जाएगा उसी को धमकाया, डराया या आलोचना की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द राइट आंसर, 17 का आंसर हो जाएगा ए, वेरी गुड, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। देखिए ये यहाँ पर ये सारे के सारे वर्ब है, तो वर्ब को वर्ब से मैच करेंगे। नॉक्सियस में ओ यू एस आ रहा है, एडजेक्टिव हो जाएगा, और हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच को रेडी रखते हैं, मतलब उसी के अकॉर्डिंग भरते हैं। अगर क्वेश्चन में नाउन है तो आंसर भी सिनोनिम में नाउन आएगा, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगा, और अगर वर्ब है तो वर्ब आएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा बिल्कुल सेम चलता है सिनोनिम एंटोनिम में। बिलाल जफर, चलिए अगला शब्द आपके पास है डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रप्शन, कमोशन, फ्लटर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो सी से खत्म है, नाउन है, तो स्टेड, इनवोगरेट, रेवेनस, लैनिटी या करकफल। अब देखो पानी क्या करता है, कफल, शफल, और जब भी कोई चीज़ कफल शफल करती है मतलब उसके अंदर हलचल होती है, उसके अंदर सनसनी फैलती है, और कमोशन यानी हलचल, सनसनी, डिस्टर्बेंस को ही इंग्लिश में करकफल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। घनी खम्मा भाई, घनी खम्मा, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, ट्रिकरी, हॉकस पॉकस या स्लिकनेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी गुड, राहुल कोहली ने बताया उथल पुथल भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। उल्टा पुल्टा, उथल पुथल, बिल्कुल सही है। राजा मिम्रोत, रेवेनस किसका आंसर बता रहे हो? रेवेनस तो रावण के लिए था, और रावण बड़ा भूखा था, और भूखे के लिए लालची, और लालची का मतलब ग्रेडी, तो रेवेनस का मतलब होता है लालची, ग्रेडी के लिए यूज होता है। राहुल भैया तुम बोतल का इंतजार करते रहते हो, बट काश तुम बोतल की स्पेलिंग भी ठीक लिखते, एक बार बोतल की स्पेलिंग सही लिख के दिखाओ राहुल। चलिए ट्रिकरी, हॉकस पॉकस, स्लिकनेस का मतलब क्या होगा? निखिल ने बताया है ए, बाकी बच्चे की क्या राय है? क्योंकि रिपग्नेंट वर्ड आ चुका है, कॉन्फेबुलेट आ चुका है, कॉन्सीड का मतलब अग्री करना होता है, और रिप्रोबेट शब्द आ चुका है, इसका मतलब हुआ कि इसका राइट आंसर एलिमिनेशन से स्कल्जरी आएगा, जिसका मतलब होता है चीज़ों को हॉकस पॉकस कर देना, चालबाजी, जालसाजी के लिए, डिसेप्शन के लिए या धोखाधड़ी के लिए यूज होता है। डिसेप्शन का मतलब है धोखाधड़ी के लिए यूज होता है, ठीक है, चालबाजी के लिए यूज होता है। कन्हैया जी, सर जी इग्नोर कर रहे हो, अरे भैया आपको ही तो देख रहा हूं आज मैं,
अभी आपने लिखा था ना नेपाल से हूँ, तो मुझे नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी का स्टेटमेंट याद आ गया। वो आजकल कुछ भी कह रहे हैं, वो जगह भी हमारी है, वो भगवान भी हमारे हैं। अच्छी बात है, भगवान तो सबके होते हैं। चलिए अगला शब्द आपके पास लिखा गया है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए प्लॉडिट का मतलब अभी मैंने बताया प्रेज के सेंस में था, अनट्रेमल्ड का मतलब अनलिमिटेड के सेंस में था, और हॉटी का मतलब होता है अरोगेंट यानी घमंडी के सेंस में होता है, डेनिजन का मतलब कहीं पर मूल निवासी यानी रेजिडेंट के सेंस में होता है, निवासी के सेंस में होता है। रेजिडेंट तो किसी चीज में आप अपनी स्किल को जब परफेक्ट करने की कोशिश करते हो, अप स्किल करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे आप उस विषय के अंदर पारंगत हो जाते हो। क्या हो जाते हो? पारंगत हो जाते हो, निपुण हो जाते हो, परफेक्ट हो जाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सर जी हम इंग्लिश में कमजोर हूं। अच्छा, एलिमिनेशन इस तरह का एग्जाम में नहीं होता सर। देखिए जरूर से जरूर आपको कुछ ना कुछ तो तरीके देखने पड़ेंगे, और अभी इस क्लास को 5 डेज तो खाली पढ़ाने का हुआ था, और करवाने का जो सेक्शन है ये फर्स्ट ऑफ द सेक्शन है, वन ऑफ द सेक्शंस है। अब ऐसे ऐसे करते करते जब आप कॉन्टिन्यूटी लेकर आएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, ट्रस्ट मी, आपको ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको ये सफिक्स और प्रेफिक्स पकड़ने आ जाएंगे, रूट वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ने आ जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी से चीजें याद रहने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 22 और क्वेश्चन नंबर 23, 24, एक साथ जवाब देने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, आप इंग्लिश रोज कराते हैं, मेरा इंग्लिश वीक। जी हाँ, 9 बजे से 10 बजे मॉर्निंग के अंदर डेली चलता है, और अभी भी इस सेशन में बने रहिए, बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे अभी आपको, ठीक है। नहीं नहीं अभी आप इसकी जो मैंने थ्योरी की क्लास ली थी यानी सिनोनिम और एंटोनिम को समझाने की कोशिश की थी, और ये विशेषता वो सिनोनिम एंटोनिम है जिसमें से 80% आपके एसएससी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, और 20% ऐसे हैं जिनको डेली आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस टाइप के बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में रोज देखते हैं, ये वो वाले शब्द हैं, ठीक है। वोकैब याद करने का तरीका है, रोज पढ़ो, रोज नए शब्द पढ़ो, लेकिन जिस भी शब्द को पढ़ो वो जब तक आपके दिमाग में पुराना ना हो जाए, चाहे 10 बारी में 20 बारी में 30 बारी में या 100 बारी में हो, तब तक आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप उसका वर्ड का यूज़ देखना छोड़ दोगे, बोलना छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे, कुछ दिन बाद देखोगे कि यार ये वर्ड पढ़ा तो हुआ था, यार ध्यान नहीं आ रहा, ये एक दिन पढ़ा तो था। अभी भी आप लोगों के साथ यही हो रहा है कि इसमें से कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने पढ़े तो हैं, जो आपने देखे तो हैं, जो आपने सुने तो हैं, लेकिन अब ध्यान नहीं आ रहा। तो इसका मतलब रिपीटिशन के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मेंटल एक्सरसाइज हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो, क्योंकि आपका स्टेमिना कब इम्प्रूव होता है? जैसे बॉडी के अंदर स्टेमिना बनता है जब रोज़ प्रैक्टिस करते हो, तो मानसिक संतुलन भी, मानसिक स्टेमिना भी तभी बनता है जब ऐसे क्वेश्चंस की रोज तैयारी करने की कोशिश करते हो। 9 से 10 की क्लास है, देखो फास्ट हो चाहे स्लो। चलिए ओवर मॉडेस्ट का मीनिंग बताइए, ओवर मॉडेस्ट का मीनिंग बताइए। आप में से आंसर बहुत कम लोग दे रहे हैं। महाराणा प्रताप फर्स्ट क्लास है, ओके। तो रेवेनेस का मतलब तो भूखा होता है, स्मग नहीं होता है, प्लॉडिट नहीं होगा, डिसएनफ्रेंचाइज नहीं होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोय?
बताओ भैया जल्दी बताओ क्या लिख रहे हो ये। ओवर मॉडेस्ट, ओवर मॉडेस्ट का मतलब है अति विनम्र पर्सन के लिए इंग्लिश में क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अति विनम्र। ये एक बड़ा ही पॉजिटिव शब्द है, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव प्राइड इन वनसेल्फ और वंस अचीवमेंट के तौर पर यूज होता है, और इसी को आप स्मग के तौर पर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अवेयरनेस यानी जागरूकता, कॉन्शियसनेस मतलब होश, नोइंगनेस मतलब जानकारी, और इन तमाम शब्दों का मतलब क्या होता है। तो ये अवेयरनेस जानकारी हो या फिर होश हो या फिर आपको अवेयरनेस यानी कि किसी चीज़ की जागरूकता हो, ये सारी की सारी दिमाग से होती है, माइंड से होती है या ब्रेन से होती है। और माइंड या ब्रेन का एक रूट वर्ड होता है, माइंड या ब्रेन का एक रूट वर्ड होता है, और वो रूट वर्ड होता है आपके पास कॉग। तो कॉग रूट वर्ड जिसको भी पता है वो इसका राइट आंसर बता देगा। एक बार फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या बताएगा। कॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लीन करना, अंदर से किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए यूज होता है। कॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लीन करना। ठीक है, और जब क्लीन नहीं करते तो किसी चीज़ को टू मेक समथिंग डल्टी, इसका एंटोनिम हो जाएगा टू मेक समथिंग डल्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए, क्योंकि 22 का आंसर आप कॉग से रिलेट कर लेंगे और ये वर्ड बन जाएगा कॉग्निजेंस। ठीक है, ये कॉग्निजेंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट हरी अप, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर दो, केवल देखने के लिए मत देखो सेशन को। एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर बताया बहुत बढ़िया, घेस्टली ग्रीम ग्रूसम या मैकाबर। मैकाबर को याद करना, मैं कब्र में जा रहा हूं, और अगर मैंने कहा आपको मैं कब्र में जा रहा हूं तो ये बड़ी ही घिनौनी, बड़ी ही डरावनी बात हो जाएगी, और डरावने को इंग्लिश में ग्रिसली कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखिए सेल्फ सेटिस्फाइड, अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 24 सेल्फ सेटिस्फाइड, और सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब होता है ओवर मॉडेस्ट यानी कि स्मग के सेंस में यूज हो जाता है। ऑप्शन नंबर फिर से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28, एक साथ आपके पास चार क्वेश्चन हैं, फटाफट बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास है,
जो चीज़ आपके लिए हेल्दी या हेल्पफुल या गुड फॉर यू होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था सल्लू भाई, सल्लू ब्रो घूमने के लिए यूएस गए, क्योंकि यूएस अपने आप में क्या है, हेल्पफुल, गुड फॉर यू। वहाँ का जो प्लेस है वो बड़ा ही क्लीन, ग्रीन और हेल्दी होता है। सल्लू भाई, सल्लू ब्रो यूएस में गए क्योंकि यूएस अपने आप में क्लीन, ग्रीन और हेल्दी है। और अगर इन तीनों को जोड़ दो तो सलूब्रियस बनता है, और सलूब्रियस का ही मतलब होता है समथिंग विच इज़ क्लीन, ग्रीन और हेल्दी। ऑप्शन नंबर ई मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, इनहैबिटेंट, हैबिटेंट या ड्वेलर। इनहैबिटेंट का मतलब निवासी, हैबिटेंट का भी मतलब निवासी, और ड्वेलर का मतलब होता है ड्वेल करने वाला, रहने वाला। तो रहने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं डेनिजन। क्या बोलते हैं? डेनिजन। आपको मैंने तीन चीज बताई थी, 1, 2, 3। एक बताया था डेनिजन, कौन कौन मीनिंग बताएगा या कौन कौन इसके डिफरेंस बताएगा। एक होता है नेटिजन और एक होता है सिटीजन। कौन कौन बताएगा? शाबाश, बताइए। डेली क्लास का जो टाइमिंग है भैया वो है 9 to 10 AM, 9 to 10 AM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है, 9 to 10 मॉर्निंग में, AM में, ठीक है। चलिए, डेबिलिटेशन, अनर्वेशन या एग्जोशन, इसका मतलब होता है थकान होना। टू गिव अवे ऑफ एनर्जी, टू गिव अवे ऑफ एनर्जी, To give away of energy। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेनिजन का मतलब होता है रहने वाला, नेटिजन का मतलब होता है इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा वक्त बिताने वाला, और सिटीजन का मतलब होता है सिटी में रहने वाला, या जिसे हम अपनी पॉलिटी के लैंग्वेज में नागरिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर गाँव में रहने वाले गरीब लोगों को या अनपढ़ या निरक्षर लोगों को बिल्कुल भी वोट देने का अधिकार या सिटीजन माने जाने का अधिकार नहीं होता था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा एनफीबलमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई मस्ट बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। अरे राहुल, नहीं, कोई टीवी भी नहीं चल रहा। एक्चुअली रूम के पास से कोई ऐसा गुजरा है, कोई बहुत बड़ा कोई लाउड स्पीकर था, और उस हिसाब से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो इसको एक बार ओवरलुक कर दीजिए। अगला शब्द है पिल्फर या कैबेज। पिल्फर या कैबेज का मतलब मैंने आपको बताया था, आप किसी के घर में गए, आप किसी पराए के घर में गए, और वहाँ पर आपको टेबल पर रखी हुई कोई भी छोटी सी आइटम आपको पसंद आ गई, आपने उसको चुपके से, उसको बिना बताए हुए, बिना उसके जाने, आपने उसको जेब में डाल दिया। इस तरह की छोटी छोटी चोरियाँ करना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ को स्टील करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताइए। तो वहाँ पर आपके पास यूज़ होता है परलोइन, पराए घर का लोइन उठा लाना। ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द राइट आंसर। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परलोइन, गुड, वेरी गुड। चलिए अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, 39 और 40। आखिरी के ये 6 सवाल, और आखिरी सवाल है, 6 के 6 सवाल के जवाब कौन देगा? चलिए सबसे पहले 2 के दीजिए, 35 और 36। क्लैप्टोमैनिया, क्लैप्टोमैनिया का मतलब होता है द ऑब्सेशन ऑफ स्टीलिंग एनीथिंग। किसी चीज़ का फितूर जब चढ़ जाए तो उसे बोलते हैं मैनिया, और जब आपको क्लैप्टो मतलब जो भी हाथ में मिला उसे लपेटो,
जो आपको मौका मिला उसे लपेटो और उसको अपनी जेब में रख लो। चोरी करने का जो मिजाज होता है, जो सनक, जो फितूर, जो ऑब्सेशन, जो भारीपन होता है, माइंड का जो डिसऑर्डर होता है, उसे क्लेप्टोमैनिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चुराने की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। इंसीडुअस, इंसीडियस, सटल, बेनफुल, डेडली, पेस्टिलेंट, घातक के लिए इस्तेमाल होता है। और जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा घातक होती है उसे परनीसियस कहते हैं, और इसे ही FATAL भी बोलते हैं। इसी का जो हिंदी मतलब होता है वो घातक, या इसी को जो बोलते हैं वो जानलेवा बोलते हैं, घातक या जानलेवा। सर ये सब पहले आप बता देते हैं तब क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि आंसर सभी दे रहे। ओके, तो ये मैंने सारी चीज़ साजिया जी सारी चीज़ पढ़ाई हुई है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे के सेशंस के अंदर। और अगर आप भी चाहें तो उनको यूट्यूब पर हैं, देख सकते हैं उनको। जस्ट आपको जो टाइप करना है वो लिखना है टॉप 50 मोस्ट आस्ड वर्ड, टॉप 50 मोस्ट आस्ड वोकेबुलरी। अगर ये आप लिख दोगे तो आपको ये सारी की सारी शीट मिल जाएगी आपको। अगला शब्द है सिडेट। सिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टैंड बाय मोड पर रखना। थ्योरी 5 दिन होती है और 6ठे दिन उसका हम इम्प्लीकेशन देखते हैं। वैसे थ्योरी के साथ साथ भी मैं टेस्ट तो लेता ही रहता हूँ। शकील कुरैशी, सर लेट हो गया, मुझे नहाने चला गया था या था तलब, पता नहीं क्या लिख रहे। डेंजरस के सेंस में भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है, डेंजरस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। चलिए सीडेट का अब आंसर बताओ जल्दी से, आप बताओगे। देखो इट्स नॉट माय टर्न नाउ, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपकी बारी है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आएगा सी, वेरी गुड, SSK एंटरटेनमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सीडेट का मतलब होता है शांति बनाए रखना, यानी काम के सेंस में यूज होता है, और इसे ही आप स्टेट के सेंस में यूज करोगे। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 और 38 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट ऑफ योर ऑल 5 लेक्चर्स। अगर आपने बना ली है, सर बैकग्राउंड में क्या है, सर सीनरी या ग्राफिक्स यूज किया है, जस्ट ऐसे ही है। अभी कल से घूमेगा, इसमें सेल डालने, कल अभी सेल नहीं है ना इसमें, तो ये घूम नहीं रहा, कल से ये सेल डाल देंगे तो इसमें हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ये बीच में थोड़ा सा लिखा हुआ पार्ट है, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए अब बताइए, स्कॉल्ड, चाइड, बैरेट, बाउल आउट, रेमोन्स्ट्रेट, च्यू आउट, च्यू अप, हाव वर्ड्स, लंबास, केन, फ्लॉग, इन वर्ड्स के लिए क्या यूज करते हैं। साजिया प्रवीण बोल रही है पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ अलग अलग सोर्सेज पर मिल जाएगा, और इनकी पीडीएफ एक्सरसाइज है ये, तो जस्ट वैसे अपलोड कर दूंगा मैं इसी कमेंट बॉक्स के सेक्शन में, थोड़ी देर में लिंक दे दूंगा, वहां से उठा लेना। तो स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लंबास्ते। जिस पर्सन को हम चाहते हैं अच्छा है
उसको बोलते हैं नमस्ते, और जिसको हमने डांटना होता है उसको बहुत तेज बोलते हैं चल हट लंबस्ते। हाँ, प्रभु का चक्र है, प्रभु की लीला अपरंपार है। कल से यहाँ पर आपको सत्संग भी मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कीजिए। कॉर्बल, टाई डाउन, टाई अप, बाइंड, यानी किसी चीज़ को बांधने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं, बांधने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बांधना, किसी चीज़ को टाई करना। बोलो बोलो जल्दी बोलो। एक्टिव नहीं हो आज तुम लोग। लंबस्टे से कुछ याद आया राहुल? अच्छा शकील भाई, वीडियो रहेगा आप देख लेना। लंबस्टे याद आ गया? आ गया ना याद? हाँ बहुत बढ़िया। कास्टिगेट भी बोलते हैं इसको, बहुत अच्छे वर्ड है, कास्टिगेट भी बोलते हैं इसको। अगला देखिए, कॉर्बल, टाई डाउन या बाइंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो 38 का आंसर ट्रस हो जाएगा। ट्रस का मतलब, कॉर्बल का मतलब होता है सपोर्ट करना, है ना, ट्रस सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए अगले बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 का आंसर बताइए। स्प्लर्ज का मतलब पता है क्या होता है? जो SSK एंटरटेनमेंट वाले, स्प्लर्ज का मतलब होता है स्पेंड समथिंग एक्स्ट्रावेगेंटली या वेस्टफुली, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खर्च करना, पैसे उड़ाना, अंधा पैसा जिसके पास होता है ना, अंधा, तो वो पर्सन उड़ाता है पैसा। अगला देखिए, डाउट, अनसर्टेनिटी, ड्यूबिटी, डाउटफुलनेस, ड्यूबियसनेस, जब आपको किसी चीज़ के बारे में संदेह होता है, अनिश्चितता होती है, डाउट होता है, जब आपको दोहरापन होता है, जब आप कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, जब आपको ये लगता है क्या करें या ना करें, कैसी मुश्किल आए, जब आपको सर्टेनिटी नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? टाइमर नहीं लगाता मैं। चलिए तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इनसर्टिट्यूड राइट आंसर आएगा। सर्टेन जो चीज़ होती है वो सर्टिट्यूड होती है, जो चीज़ सर्टेन नहीं होती वो इनसर्टिट्यूड होती है। ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए, यील्ड, ग्रांट, प्रोफेस, कन्फेस या सीड, किसी की कोई बात को मान लेना, किसी की बात को कोई सरेंडर कर देना, किसी बात पर अग्री हो जाना, और अग्री होने को इंग्लिश में, किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना, तो अग्री, एक्सेप्ट या प्रपोजल को एक्सेप्ट करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संडे को ऑफ होता है, बिल्कुल जी ऑफ होता है। संडे को आपकी जो फैकल्टीज़ हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो एजुकेटर्स हैं, वो सारे लोग अपने अगले वीक के कंटेंट की तैयारी करते हैं, ताकि आपको बहुत बेहतर और बहुत ही अपडेटेड मटेरियल मिल सके, और वो भी थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, ताकि अपने दिमाग को रिक्रिएट करने के बाद आपके अपने जो चहेते एजुकेटर्स होते हैं उनके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया सी चीज़ कर सकें। सर 5 मिनट का लगा हुआ है, कहाँ है 5 मिनट का लगा हुआ है? हाँ संडे को ऑफ है, संडे को क्लास नहीं होगी। तो इसी वर्ड के लिए कॉन्सीड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्सीड, और कॉन्सीड अगर राइट आंसर है तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? हाउ इज़ द क्लास टुडे, हाउ इज़ द जोश टुडे,
एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और आपको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और कौन कौन सी चीज़ पर आ रही है वो बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीक की जो भी क्लास लेंगे उसके अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली अभी हम क्योंकि वोकेबुलरी का सेक्शन कर रहे हैं और वो सारा का सारा सेक्शन डिवोटेड है CPO, CGL, CHSL या MTS या स्टेनो के एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ CDS, NDA के स्टूडेंट भी साथ में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं इस क्लास का विराम देता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को विराम देता हूँ, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच।